नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, जो आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके चाहे रेलवे हो दोस्तों, या दोस्तों पुलिस हो, या बैंक हो दोस्तों, और दोस्तों ये हर बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, जिनको दोस्तों हम आसानी से बहुत ही आसानी से वो कॉन्सेप्ट से भी बताऊँगा दोस्तों, हल करना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने पिछले जो भी मैथ का वीडियो सीरीज था उसमें कराया था दोस्तों। मैंने इस टाइप क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसानी से हल करना बताया। चलिए बताते हैं दोस्तों, 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है। दोस्तों मैंने बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आपका निकलेगा। यहाँ पैसे में है, यहाँ रुपये में है, तो रुपये को दोस्तों आपको पैसे में बदलना होगा, तभी आएगा दोस्तों। दोस्तों 1 रुपये में आपका कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 रुपये में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 500 पैसे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों पूछा, 1 20 पैसे में 5 रुपये कितना परसेंट है। दोस्तों मैंने बताया, जिसके पास कार लगा हो, से लगा हो कार से, वो हमेशा नीचे रहता है, तो ये आपका कहाँ रहेगा दोस्तों, आपका नीचे 5 रुपये, 5 रुपये की जगह क्या रहेगा दोस्तों, आपका 500 पैसे, और ऊपर कौन सा रहेगा दोस्तों, 20। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सीधे 100 से गुणा कर देना है दोस्तों। आपका इसके क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 से 5 चौक 20, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना था, इसमें का से जी जो दिया रहेगा हमेशा, जहाँ भी का से रहेगा वो नीचे रहेगा परसेंट में दोस्तों। यूनिट डिजिट आपको सेम करना है, ठीक है दोस्तों, तभी इसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ये दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ लोग इसमें ट्रिक लगाते हैं, जो कि ट्रिक भूल भी जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी वस्तु के मूल में 20% की कमी की गई, उस वस्तु के मूल को प्रारंभिक मूल पर लाने के लिए अब उसके मूल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको पता है, जब भी वृद्धि कमी परसेंट की बात होती है दोस्तों, उस पर 100 पर होता है, कोई भी चीज़ हो 100 पे होता है, ठीक है दोस्तों। आपका जैसे 20%, ठीक है दोस्तों, 20% हो गया। अब 20% पे कमी की गई, तो 20% पे 100 पे कमी की जाएगी, नीचे होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, गुणे 100 कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आप इसको काटिए, इसको काटेंगे 2 चौक 8, ये हो जाएगा दोस्तों 25 चौक 100, ठीक है दोस्तों। ये 25 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन दोस्तों इसको कभी भूल जाते हैं, वृद्धि कमी। दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। जब भी पूछे दोस्तों वृद्धि कमी, क्या पूछा, किसी वस्तु के मूल में 20% की कमी, दोस्तों 100 पे अगर 20% की कमी होगी कितना हो जाएगा दोस्तों, 80, ठीक है दोस्तों, 80 हो गया ना। अब बोला है, उस वस्तु के मूल को प्रारंभिक मूल पर लाने के लिए अब उसके मूल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों क्या पूछा, उसके प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा, प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए। दोस्तों पहले 100 था, 80 हो गया, प्रारंभिक मूल्य में कब आएगा, जब दोस्तों इसमें 20 की वृद्धि करोगे, फिर यहाँ 100 हो जाएगा, तभी इसका प्रारंभिक मूल्य आएगा। तो दोस्तों कितने की वृद्धि करनी पड़ रही है दोस्तों, 20 की, कितने के ऊपर दोस्तों, आपके 80 के ऊपर दोस्तों, कितना गुणा 100, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था दोस्तों, आपको अगर कॉन्सेप्ट पे याद रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों। अगर बोला 100 पे वृद्धि, तो या कमी दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कमी वृद्धि इस पर होगी दोस्तों, आपके बीच वाले पे होती है। अगर आपका दोस्तों अभी यहाँ वृद्धि पूछा होता तो 120 होती, फिर उसको उसी पे लाने के लिए दोस्तों, तो कमी करते हैं 20 की। दोस्तों वृद्धि और कमी मैंने बताया भी था अपने कॉन्सेप्ट में, हमेशा अंतर को बताते हैं, अंतर कितना 20 का है दोस्तों। दोस्तों आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए दोस्तों, आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं आते हुए भी क्वेश्चन को। आप देखिए, जैसे इसमें है दोस्तों, अभी क्या होता है बताता हूँ मैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 4 व्यक्ति और होते तो 5 दिन पहले काम खत्म हो जाता, बताएं प्रारंभ में कितने आदमी थे। दोस्तों शुरू में कितने आदमी थे ये पूछा हुआ है। दोस्तों हमने शुरू के आदमी को नहीं बताया, उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक्स मान लेते हैं। किसी काम को 30 दिन में करते हैं, एक्स व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है दोस्तों। MDH फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको ये क्या होता है दोस्तों। MDH फार्मूला मतलब एक्स व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 4 व्यक्ति और होते, मतलब 4 व्यक्ति और होते, एक्स प्लस 4, 4 व्यक्ति और होते
तो काम 5 दिन पहले खत्म हो जाता। अब दोस्तों यहाँ पर 5 नहीं रहेगा आपका, अभी कुछ लोग इसको 5 दिन यहाँ रख देंगे, 5 नहीं होगा। क्या बोला दोस्तों, 5 दिन पहले, पहले कितने दिन पहले खत्म होता था, 30 दिन, अब बोल रहा 5 दिन पहले, तो 30 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बोल रहा है दोस्तों आपका 5 दिन पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं रहेगा, आप लोग समझिए क्या कह रहा है, 5 दिन पहले खत्म हो जाता, पहले बोल रहा 5 दिन पहले, मतलब पहले 30 दिन लगता था, 5 दिन पहले मतलब 25 दिन। काटिए दोस्तों इसको, 5 6 30, 5 25, ये हो जाएगा दोस्तों 6x, ये हो जाएगा दोस्तों 5x+20। दोस्तों x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x-5x=20। ठीक है दोस्तों, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20। ये आपका x बराबर, मतलब पहले कितने व्यक्ति थे दोस्तों, पहले का पूछा 20 व्यक्ति, अगर दोस्तों बाद में पूछता तो इसमें 4 जोड़ देते तो कितने व्यक्त आ जाते दोस्तों, 24 आ जाते, क्योंकि पहले का पूछा तो पहले x बराबर 20 आया, तो आपका 20 व्यक्त थे दोस्तों। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग इस चीज़ों पर ध्यान दिया कीजिए। कभी कभी क्या रहता है, आप लोगों को क्वेश्चन जो आते रहते हैं, आप लोग सोचते हैं क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में दोस्तों जो क्वेश्चन आते आ रहे हैं दोस्तों, आप उसको भी गलत कर देते हैं, और जो नहीं आ रहा दोस्तों उसमें आप टाइम लगाते हैं कि आप हमको जो नहीं आ रहा उसको हम टाइम लगा के कर लेंगे, जो आ रहा है दोस्तों आप उसको भी पहले ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन दोस्तों आपको गलत हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके लिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोग कैसे हल करते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। 18 रुपये की एक कलम बेचने पर रहीम को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है, कितना 1/10 हानि होती है, तो इस कलम का क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। क्या बताना है, इस कलम का दोस्तों, जो कलम है इसका क्रय मूल्य बताना है। रुपया दिया हुआ दोस्तों 18, और क्रय मूल्य पर 1/ दोस्तों कितने पे, 10 की हानि होती है, मतलब दोस्तों 10 की हानि क्या होती है, पहले 10 था और उसकी हानि हो गई, तो 1 घटा दीजिए कितना 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, हानि हो गई मतलब पहले उसका ज़्यादा मान था लेकिन बाद में उसका हानि होकर 9 हो गई, क्योंकि 1/10 की हानि होती है। तो दोस्तों इस कलम का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, पहले का मूल्य पूछा है, क्योंकि दोस्तों पहले हमारा मूल्य ज़्यादा था तभी तो अभी हानि हो रही है, तो पहले हमारा मूल्य ज़्यादा था इसलिए अभी हानि हो रही है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 18 गुणे, अब दोस्तों आप इसमें डिसाइड करेंगे ऊपर कौन रहेगा, 10 रहेगा कि 9 रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको क्या पूछा है, इस कलम का क्रय मूल्य पहले का मान पूछा ना, क्योंकि पहले मान ज़्यादा था बाद में हान हुई है, क्योंकि हान बोला है, क्योंकि अगर हान हुई है दोस्तों तो पहले मूल्य ज़्यादा था, तो आपको ज़्यादा ऊपर रखेंगे तभी ज़्यादा आएगा, और नीचे कम रखेंगे तो नीचे कम आएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना था दोस्तों, आपको पूछा था कि पहले का मान पूछा था, क्योंकि अगर दोस्तों पहले का पूछा तो पहले वाला ऊपर रखेंगे, बाद में पूछा है तो बाद वाला ऊपर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि कमीशन 8% हो तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। कभी भी आपका अगर परसेंट की बात होती है तो क्या बोला है दोस्तों, 10% की कमीशन है, 8% कमीशन है, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 92 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 80 लिखे। अब दोस्तों आप लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं दोस्तों, ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, आपके ऊपर क्या रखा जाएगा, 92 रखेंगे कि 100 रखेंगे दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है दोस्तों कम मूल्य प्राप्त करना चाह रहा है ज़्यादा, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य, दोस्तों आप लोग ये बताइए क्या कौन सा ज़्यादा होता है दोस्तों। आपका अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो भी आंसर आएगा अंकित मूल्य से कम आएगा, तो अंकित मूल्य से कम लाना है तो दोस्तों कम मान ऊपर रखेंगे और दोस्तों ज़्यादा मान नीचे रखेंगे दोस्तों। अगर ज़्यादा लाना होता तो 100 ऊपर रखते, 92 नीचे रखते दोस्तों। आप इस तरह से याद रखिए, आप लोग बहुत बार इसमें फार्मूला लगाते हैं, बट्टा बेटा क्या क्या क्या, तो क्या दोस्तों कुछ नहीं लगाना दोस्तों, आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। अगर दोस्तों अभी अंकित मूल्य पूछता, यहाँ क्रय मूल्य दिया होता, अंकित मूल्य पूछता तो अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता, तो 100 ऊपर रखते 92 नीचे रखते, क्योंकि दोस्तों हमारा अंकित मूल्य पूछता अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। और दोस्तों यहाँ अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पूछा है, या विक्रय मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे, तो अंकित मूल्य से हमेशा कम ही होते हैं दोस्तों। तो आपका ये आपका जो 100 और 92 में कौन रखना है ऊपर नीचे, तो दोस्तों आपको 80 से कम लाना है तो कम ऊपर रखेंगे या ज़्यादा नीचे रखेंगे। चलिए दोस्तों हल करते हैं इसको, काटिए दोस्तों 0 0,
8 × 2 = 16, 8 × 9 = 72। ठीक है दोस्तों, आपका ये 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये 73.6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल को पहली दफ़ा आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। दोस्तों हम इस तरह के साइंस और मैथ की सीरीज़ करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं दोस्तों, बिना एक्स वाई माने आपको आसानी से ऐसे ही कंसेप्ट बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।